फ्रेंड्स नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस और डॉक्टर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार को फॉलो करते हुए ठीक होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आपके सामने रूबरू हो रहा हूं रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से। हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हुए, मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। टॉपिक का नाम है Who don't want to win in life? जिंदगी में कौन कामयाब नहीं होना चाहता, जिंदगी में कौन जीतना नहीं चाहता, किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि सभी हम सभी जिंदगी में कामयाब होना चाहेंगे। पर क्या अगर हम गौर से देखें तो क्या हम अपने द्वारा रखे गए टारगेट के अनुसार कामयाब हो जाते हैं? हम देखेंगे कि नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि एक तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं हारने की। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, ये नेचुरल नेगेटिव इमोशंस होने के कारण हम कामयाब नहीं होते। अगर किसी समस्या को देखकर हम बिना सोचे ये कहें कि ये तो हमारे से ओवरकम नहीं होगी, हम इसे ओवरकम नहीं कर सकेंगे, और समस्या को देखते ही दिल छोड़ के बैठे, इसके हल की कोशिश ना करें, क्या हमें कोई समझदार कहेगा? अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और किसी भी समस्या का हल निकालना चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपने मन में पक्का करना पड़ेगा कि यह समस्या मेरे लिए खास नहीं है, मैं इसको हल कर सकता हूं और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम सावधानी पूर्वक उस समस्या को हल करने के लिए लग जाते हैं और हमारे मन में विश्वास होता है तो हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। हम यहां एक व्यक्ति की एग्जांपल देना चाहेंगे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर दिल छोड़ के बैठ जाता था और कहता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको हल नहीं कर सकता, और उसे लगता था कि उसकी समस्या हल नहीं हो सकती, और उसे यही लगता था कि जो उसकी समस्या है दुनिया की सब समस्याओं से बड़ी समस्या है। परमात्मा की कृपा से उसका वास्ता या उसे एक आदमी ऐसा मिल गया जो उसने उसको एक ऐसा सबक सिखाया, एक ऐसी अच्छी गाइडेंस दी जिसने उसके मन से नकारात्मक जो नेगेटिव इमोशन थी
उनको पॉजिटिव में बदल दिया। उस व्यक्ति ने ज्यादा समझाना था, उसे पूछा कि आप हमेशा सबसे पहले रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की तरफ क्यों सोचते हो। उसने बड़े तरीके से, बड़े प्यार से उसे पूछा कि आप एकदम जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उसको एकदम क्यों देखने लग जाते हो। उस व्यक्ति जो नेगेटिव प्रवृत्ति का था, उसने कहा कि एक समझदार आदमी का फर्ज बनता है कि वह यथार्थवादी हो और किसी भी समस्या को अच्छी तरह से पहले ही गैस करने की कोशिश करे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा दृष्टिकोण है कि मैं इन मुश्किलों को रास्ते से हटा दूंगा। उसने कहा जब भी मुझे कोई मुश्किल नजर आती है, जब भी मुझे कोई डिफिकल्टी नजर आती है, तो मुझे एकदम ऐसा महसूस होता है कि मैं इसको रास्ते से हटा दूंगा, फिर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। पहले व्यक्ति ने कहा यह आसान नहीं है, आप ये कह तो रहे हैं पर यह आसान नहीं है, आपके पास कोई ना कोई तरकीब होगी, आप प्लीज मुझे वो बताइए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सारी जिंदगी मैंने मुश्किलों और कठिनाइयों को दूर करने में गुजार दी है, मेरा जो जीवन है वो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, समस्याओं से भरा पड़ा है और मैंने उनको सॉल्व करने में अपनी सारी जिंदगी बता दी है। इसे अब ये देखो कि जो भी समस्या है, ये तरीका है कि जो भी समस्या है उसको जोर से पढ़ो ताकि सभी उस समस्या को सुन सके। पहले व्यक्ति ने यह कहा कि मैं उस परमात्मा जिसे हम किसी भी शेप में जानते हैं या मानते हैं, चाहे हम उसे वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, राम कहें, रहीम कहें, खुदा कहें, ईसा मसीह कहें, कि मदद से सारे काम कर सकता हूं, कि मैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, डिफिकल्टीज के लिए इनमें से किसी की भी मदद लेता हूं और मुझे पता है कि ये एक बहुत ही अच्छी शक्ति का, पावर का सोर्स है। जब ये मेरे साथ होंगे तो मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सच्चे विश्वास और सच्ची शक्ति के सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास सच्चा है और हम उसको मानते हैं, यह विश्वास कहने की कोशिश, करने की कोशिश करनी चाहिए, परमात्मा हमारे साथ है, वो कहीं दूर से नहीं आना है, हमारे अंदर ही है। अगर हमें उस परमात्मा पर पूरा विश्वास है और आशा है, आस्था है, तो डटे रहने की शक्ति का नाम है आस्था, उसको पूरे करने का नाम है उस परमात्मा की रहमत, तो उसके उसका नाम लेते हुए हमने डटे रहना है। यहां पर हम एक बुद्धिमान दार्शनिक नेग्रो की उदाहरण देना चाहेंगे। उससे पूछा गया कि आप अपनी समस्याओं का हल कैसे करते हो। उसने बड़े ही रोचक तरीके से बताया जो कि सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा जब भी मुझे कोई समस्या नजर आती है या मेरे बिजनेस में, मेरे काम में कोई समस्या नजर आती है, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर से निकल जाता हूं, फिर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हूं, उसके बाद नीचे से निकलने की कोशिश करता हूं, फिर ऊपर से निकलने की कोशिश करता हूं, उसके बाद ही हाल नहीं निकलता
तो उसके सामने आ जाता हूं और उसके साथ टकरा जाता हूं, और टकराने से समस्या का हल निकल आता है। कहने का मतलब है कि वो साम धाम रंग भेद जो भी तरीका, उसे किया जा सकता था वो करता था और अपनी समस्या हल कर लेता था। आगे हम देखेंगे कि सड़क के किनारे एक होल्डिंग लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि शुद्ध ऑयल इंजन को ताकत देता है, जितना ऑयल शुद्ध होगा उतना ही इंजन ताकतवर होगा। इसी तरह से जब हमारा ब्रेन, जब हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट से एम्प्टी होगा और पॉजिटिव थॉट के साथ भरा होगा, वह उतना ही ताकतवर होगा। कोई भी, जब हमारा ब्रेन सकारात्मक चीजों से, आइडिया से भरा हुआ होगा, वो किसी भी हमें शक्ति देगा और हम कोई भी समस्या इससे हल कर सकते हैं। इसलिए हमें विचारों की सफाई करनी चाहिए। अगर हमारे मन में नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं तो हमने उनको पॉजिटिव आइडिया से भरना है। जितने हमारा ब्रेन पॉजिटिव आइडिया के साथ भरा होगा उतना ही हम किसी समस्या को हल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि उसमें हमारा जो ब्रेन है बहुत ही ताकतवर होगा। और हम चाहते हैं कि जिंदगी में हार का सामना ना करना पड़े, तो अपनी चेतना की गहराइयों में, जहां हमारे अंदर चेतना है उसकी गहराइयों में विचारों के दर्शन विकसित करें, अच्छे विचार उसमें लेकर जाएं। चाहे हमारी मुश्किलें वास्तव में शरीर का वास्तविक में ही हो, हम इन्हें मानसिक तौर पर ही लेते हैं। कोई भी जब समस्या होती है तो हम इसे दिमागी तौर पर ही सॉल्व करते हैं। मुश्किल से मुश्किल नजर आती है कोई भी समस्या, क्योंकि हम उसे मुश्किल से मुश्किल अगर समझने लग जाते हैं तो वह हमसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि यह समस्या मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैंने तो इससे भी ज्यादा मुश्किल समस्याओं का हल किया है, तो वो समस्या हमसे हल हो जाती है। यहां पर हम एक सेल्समैन का उदाहरण देना चाहेंगे। वह सेल्समैन अलग अलग तरह के सीजन में अलग अलग तरह का काम करता था, कभी फर्नीचर का करता था, कभी ऑर्नामेंट्स का करता था, कभी जो भी उसे काम मिल जाता था वो करता। उसकी कामयाबी कहीं भी नहीं थी। वह हर बार अपनी फैमिली मेंबर्स को बताता था कि इस ये मेरा लास्ट ट्रिप है, इस वक्त मुझे अच्छी पार्टी मिल जाएगी, उसका जो माल है वो हाथों हाथ बिकता है, तो मैं अमीर हो जाऊंगा, दोबारा मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर उसका अच्छा समय आ गया। उसके साथी सेल्समैन ने उसे 3 शब्दों की छोटी सी प्रार्थना दी। 3 शब्दों की एक छोटी सी प्रार्थना दी और कहा कि ग्राहक के पास जाने से ठीक पहले इसको रिसाइट करना। वह इसे दोहराता, जैसे उसने कहा था उसी के अनुसार करता। मनाकस हो गई, पहले सप्ताह में उसने 85% लोगों के साथ व्यापार किया और इसी तरह अगले हफ्ते उसने जो है वो 95% लोगों के साथ व्यापार किया
और अगले में उसने 100% लोगों के साथ व्यापार किया जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड था। प्रार्थना के शब्द इस प्रकार थे, मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर मुझे हमेशा राह दिखा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सही मोड़ पर ही मिलूंगा, क्योंकि वो परमात्मा ही मुझे ये रास्ता दिखाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां पर राह नहीं भी होती, वहां पर भी ईश्वर मेरे लिए राह बना देगा। पहले उसके स्वभाव के अनुसार छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सोचता था कि मैं इस पर काबू नहीं कर सकेगा, इस कारण मैं अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर सकेगा, हमेशा दुखी और परेशान रहता था। पर उसने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिसने उसके मानसिक नजरिए को ही बदल कर रख दिया। उसने अपनी चेयर के सामने भी ये लिखकर लगा दिया कि ईश्वर पर विश्वास मेरा पक्का है तो सब काम करना संभव है। जब भी कोई समस्या आती, मैं अपने सामने लिखे शब्द पढ़ने पर समस्या का हल ढूंढ लेता। क्योंकि ईश्वर साथ है तो कोई भी समस्या खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई समस्या कठिन लगती तो वह उसे एक बड़े ही आश्चर्य वाले तरीके से डील करता। अगर लगता कि यह समस्या मेरे से अभी हल होने वाली नहीं है, वह उसे अपने सामने रखी टोकरी में डाल देता और 3-4 दिनों के बाद जब उसे निकालता तब तक उसका माइंड भी शांत हो गया होता और वो समस्या का हल निकाल लेता। और इस प्रकार वह कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकाल लेता। उसके मन में पक्का कर लिया कि अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों सौंपकर खुद काम में लग जाओ, किसी परिणाम का ख्याल ना करते हुए। हमेशा यह वाक्य ख्याल में रखना है कि हु विल लाइक टू डिफीट इन लाइफ, जिंदगी में कौन हारना पसंद करेगा? इसका जवाब जो सभी का है वो वही होगा कि डेफिनेटली नो वन, कि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं जिंदगी में हार जाऊं, मैं जिंदगी में कामयाब ना हूं। फिर भी हम लाइफ में कामयाब नहीं होते, इसका कारण है कि हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो समय से नहीं मिलती। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे, जैसे हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे इंसान उन्हें मिले हैं, हम भी कोशिश करें कि हमें अच्छे इंसान मिले, उनके साथ हम डिस्कस करें और अच्छी गाइडेंस लें, और अच्छी गाइडेंस के अनुसार हम उस काम को करने की पूरी कोशिश करें। और हमेशा याद रखें कि मुश्किल का शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए है जो किसी काम को, किसी समस्या को मुश्किल या डिफिकल्ट समझते हैं। अगर हम सोचते हैं कि चाहे मुश्किल समस्या है, डिफिकल्ट समस्या है, हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं और उसको करने में लग जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।
हमें जिंदगी में कामयाब होना हमारे लिए आसान हो जाता। धन्यवाद।